हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। और जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हमने ओनरशिप रिव्यू शेयर किया है मारुति सुजुकी अल्टिका का। दोस्तों, मारुति सुजुकी अल्टिका मारुति की वो कार है जिसका वेटिंग पीरियड हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और क्यों मिलता है वो वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। सारा कुछ डिस्कस किया है, इस कार की परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कैसा है, और राइडिंग रिव्यू भी शेयर किया है। दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एमपीवी व्हीकल की जब भी हम बात करते हैं तो अल्टिका को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है, क्योंकि बजट फ्रेंडली ये कार है। और बाकी अगर किसी और एमपीवी व्हीकल की तरफ अगर जाते हैं तो 13-14 लाख आपको पे करना पड़ेगा, पर ये जो व्हीकल है वो आपको एक्स शोरूम लगभग 9 लाख में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू और इन्वाइट करते हैं हम इसके ऑनर को। तो स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। चलिए तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम मनोज कुमार। और क्या प्रोफेशन है सर आपका? मेरा व्यवसाय है। ओके, दुकानदारी का व्यवसाय है। बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। ओके सर। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आपने ये कार कब ली थी और आपको ये कितनी पड़ी थी एक्स शोरूम और ऑन रोड? ये कार मैंने लगभग 1 साल पहले ली थी। हाँ, 2022 मॉडल। 2022 में? हाँ जी। तो ये जो है ना VXI मॉडल है, जो कि बेस मॉडल है। LXI, VXI और ZXI पेट्रोल और CNG में आती है। सो दिस वन इज CNG एंड पेट्रोल वेरिएंट। तो सर, अभी तक आप इसको कितना चला चुके हैं? मैं लगभग इसको 33,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 33,000 चला चुके हैं सर। और आपने अभी तक इसकी कितनी सर्विस करा ली है? सर्विस इसकी 3 हो गई है, चौथी सर्विस पर है। तो जब आप सर्विस कराने गए थे शोरूम में, कंपनी का कैसा रिस्पॉन्स था? फ्रेंडली थे या थोड़ा सा टाल रहे? नहीं, फ्रेंडली है, बढ़िया व्यवहार फ्रेंडली है उनका, बहुत अच्छे से बिहेव करती है। ओके। हाँ। और आपको ये मतलब जब आप इसको कार को बुकिंग कराने गए, कितना वेटिंग टाइमिंग थी आपकी इस कार की? वैसे लगभग 6 महीने की बोल रहे थे वो। जी हाँ। और आपको लेकिन क्या है कि मेरे को तो बहुत जल्दी गाड़ी मिली है। जी मेरे को 20 दिन के अंदर में गाड़ी अलॉट हो गई थी, मिल गई थी। बहुत बढ़िया। तो सर, आपने एक 7 सीटर कार ली है, कुछ सोच के लिए होगी, वरना आजकल SUV का जमाना है, लोग 5 सीटर SUV कार लेते हैं। आपने 7 सीटर ली, कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा आपका? इसमें क्या है कि एक तो ये रेट बाज है जी, इसको अपन भी अफोर्ड कर सकते हैं, इस वजह से अपन ने ली है ये कार जी। फिर फैमिली के हिसाब से अच्छी है जी, मतलब आपकी बिग फैमिली है, इस वजह से आपने 7 सीटर ली है। और आप जैसे बता रहे कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो कहीं सामान वामान ले जाने का काम रहता होगा, कहीं ले के आ रहे हैं, वो भी उसमें भी कंफर्टेबल रहेगी? बहुत अच्छा रहता है, सामान कितना भी आ जाता है, कैसे भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो सर, ये बताइए, अभी जब आप इसको चलाते हैं हाईवे पे और सिटी में, तो ये पेट्रोल में कितना माइलेज आपको दे देती है और CNG से कितना देती है? पेट्रोल में ये 20 और 22 के लगभग देती है जी। हाँ, CNG से 30 से 32 के बीच में। 30 से 32 CNG से, तो काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज दे रही है फिर। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है जो पावर जनरेट करता है 101 BHP की, और लगभग 136 Nm का टॉर्क मिलता है। तो वो अभी हम चेक करेंगे, चलाकर भी देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है इसका, कैसी चलने में। तो सर, आपने जब ये कार कभी ड्राइव की है लॉन्ग रूट पे, अभी तक कितना एक साथ ट्रैवल किया आपने? लॉन्ग रूट पे तो सबसे ज़्यादा चलती रही है कार। मतलब अभी आपने लगभग कंटिन्यू इस पे कितना किलोमीटर का तय किया है नॉन स्टॉप? इस पे हमने किया है लगभग 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर आपने कंटिन्यू ट्रैवल किया है। तो क्या स्टिफनेस, मतलब थकावट फील हुई? कंफर्टेबल है कि नहीं? कोई थकावट फील नहीं होती है। कोई थकावट नहीं है ना। चलिए एक बार मैं आपको सीट दिखाता हूँ, इसकी इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ड्राइवर साइड केबिन का अगर बात करें तो फैब्रिक अपोस्ट्रोफी मिलती है इसमें, और सीट देख सकते हैं आप, इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कार का स्पेसिफिक AC का जो फीडबैक है, कैसा रिजल्ट है, मतलब थर्ड केबिन तक ठंडक रहती है या नहीं? बिल्कुल ठंड नहीं रहती है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये चलने में दबती नहीं है गाड़ी AC पे। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि भारीपन लोड हो रहा है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। जैसे ना तो CNG पे दबेगी ये। हाँ। चलने में जी लोड नहीं लगता इस पर। अच्छा, लोड नहीं मानती ये जी। लोड के अलावा दूसरी बात ये, पेट्रोल पे आप कैसे भी चला सकते हैं उसको। ओके, CNG पे तो बहुत अच्छा एवरेज है इसका, कंफर्टेबल गाड़ी है। तो सर, ये देख सकते हैं, सर खुद बता रहे हैं जिन्होंने ये कार ली है, जो चलाते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बोल रहे हैं कि CNG पे
30-32 का एवरेज मिल जाता है इजीली, है ना? 30-32 मान लीजिए, आप अगर मिनिमम लेके भी चलें तो खूब से खूब 27-28 का तो आपको मिल ही जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज है। बाकी एसी वैन देख सकते हैं, यहाँ पर चार दिख रहे हैं बड़े बड़े से। सबसे बेस्ट चीज क्या है इस कार की, जो आपको लगती है कि इस कार के मुकाबले किसी और कार में हमें नहीं मिलेगी? सबसे बेस्ट चीज ये है इसके अंदर कि जैसे एक तो रेट बाज है, ओके, इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बहुत बढ़िया। फिर भी 7 सीटर है जी जी, और भी जैसे कंप्रेसर किया जाए किसी गाड़ियों का, किया है या फिर उनमें 5 सीटर आती है, 5 सीटर आएगी गाड़ी। जैसे किया कारेंस भी है, वो भी 7 सीटर है, लेकिन उसका रेट जो है बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है, और प्लस मेंटेनेंस चार्जेस के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चलिए, 10 लाख के प्राइस रेंज में और दूसरा ऑप्शन भी कहाँ है जी जी जी, अर्टिगा के अलावा? तो वही तो बात है, कंफर्टेबिलिटी और जो राइडिंग वगैरह, जो इंजन वगैरह मिलता है जी, जो इनका नेटवर्क है मारुति सुजुकी वालों का जी, इतना आपको अर्बन एरिया है जैसा हमारा, तो उधर नहीं मिलेगा आपको ह्युंडई वगैरह में। ओके ओके, सही बोल रहे हैं सर। और अगर प्राइस का भी देखा जाए तो जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा जी जी, अगर उनको माइलेज भी सही मिल जाता है, कॉस्ट भी कम है सर्विसिंग का जी जी, तो और हिसाब से बढ़िया गाड़ी। और यही अगर हम किसी और कंपनी की तरफ लेने जाएं, अगर एमपीवी कार की तरफ रुख करें, जैसे अल्काजार है हुंडई की, या फिर किया कारेंस देखते हैं, या टोयोटा की इनोवा वगैरह, तो उनके लिए आपको मिनिमम आपको 15 लाख तो पे करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। और ये देखिए सर कंप्लीट, आप इसको कितने में घर ले आए थे? इसको घर आ गई थी ये अपनी 11,44,000 रुपए में, ये सर को कंप्लीट 11,44,000 के आसपास पड़ गई है। और चलने वालने में भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम चेक करेंगे। तो ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग देखने को मिल रहा है, सारी इंजन चेक लाइट मिल जाती है, बाकी टाइम वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है, और अभी ये सीएनजी पर लगी हुई है। बाकी यहाँ पर स्विच करने के लिए बटन है, इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखिएगा, फिर ये पेट्रोल पर शिफ्ट कर जाती है। बाकी ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। चलिए एक बार इसका राइड रिव्यू लेके देखते हैं और चलने में कैसी है, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अब इसका राइड रिव्यू लेके देखते हैं और शेयर करते हैं चलने वलने में कैसी है, देखेंगे, क्योंकि बिना चलाए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो अभी हम पहले गियर में हैं और आप देख सकते हैं हम एक्सीलरेट भी कर रहे हैं कार को, तो बहुत ही माइन्यूट सा साउंड अंदर आ रहा है, केबिन बहुत ही साइलेंट है। और अभी सीएनजी पे है, पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन से आती है और साइलेंट काफ़ी है केबिन, ये सुन सकते हैं आप, बहुत ही कम नॉइज़ है। तो चलिए यहाँ से क्रूज करते हैं। पिकअप के मामले में अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा पिकअप है, 136 NM का पिकअप मिल जाता है इस कार में हमें, और जो कि फील भी करते हैं, इनिशियल पिकअप वेरी गुड। और हैंडल का अगर हम फीडबैक दें तो पावर स्टेयरिंग है, एडजस्टमेंट के साथ है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, टिल्ट इसका एडजस्टमेंट हो सकता है, तो हैंडल का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं यहाँ पकड़ लीजिए, क्योंकि फ्लैट बॉटम हैंडल है और यहीं से पूरा हैंडल कंट्रोल करते रहेंगे, ये देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें आपको थकावट फील नहीं होगी, ऐसे हाथ रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सिव इसका हैंडल है। तो अभी एसी भी ऑन है और टॉर्क आपने फील किया, आपने देखा होगा कितना ज़बरदस्त टॉर्क के साथ ये उठती है कार। और अगर इसके ORVM की विजिबिलिटी भी देखें तो वो भी बहुत ही क्लियर है, काफ़ी अच्छा व्यू निकल के आता है रियर से। इसको अगर अपन ने एक पे या फिर दो पे करते हैं, हाँ, कोई आपको अंतर लगा इसमें? जी नहीं नहीं, अब तीसरे पे करना जा रहे हैं, ओके, क्या भैया चौथे पे कर दिए बंदे? तो एसी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही जबरदस्त एसी है। सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ इस कार के बारे में, कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है कि इस कार में ये चीज की कमी है, बाकी सब ओके है, ऐसा कुछ भी हो, कोई भी एक दो पॉइंट जो भी आपको, वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी बना के तैयार की गई है जी जी, लेकिन क्या है थोड़ा सा इसका डिस्प्ले बढ़ा देती। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ पे इतना पैनल दिया ही है तो उसको डिजिटली कर देते, डिजिटल कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, बहुत अच्छा बेटर लगता। तो अभी इसमें ब्लूटूथ है, लुकिंग भी अच्छी आ जाता है, इंटीरियर खिल जाता है थोड़ा सा। बाकी डैशबोर्ड की विजिबिलिटी देखें तो काफ़ी सही है, इसका बोनट विजिबिलिटी रहती है थोड़ी सी, जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाजा मिल जाता है। बाकी अगर हम इसके इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, ओके। तो ओवरऑल चलने में भी गाड़ी सही है, स्पेसियस भी काफ़ी है, और जैसा सर ने बताया उनको एक ही कमी लगी है इस कार में, कोई कमी फील नहीं हो रही है। और मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं लगभग इसको 2-3 किलोमीटर अभी ड्राइव कर लिया है, और पहले भी इस कार को चलाया हमने,
तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है इसका पिकअप, मुझे बहुत जबरदस्त लगा। हालांकि लोग कहते हैं कि सीएनजी में उतना नहीं होगा, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो। डीजल इंजन में क्या रहेगा, थोड़ा सा साउंड करता है इसमें। अगर ये देखिए आप, इसका पेट्रोल में अगर हम शिफ्ट करें तो बहुत ही साइलेंट केबिन है। केबिन के मामले में केबिन नॉइज बिल्कुल फील नहीं होगी आपको इस कार में। और जो भी एक एमपीवी व्हीकल देख रहा है और उसका बजट मिनिमम 15 लाख से भी नीचे है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कार। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा फीडबैक रहेगा आपका इस कार को लेके। बाकी कोई सर आप सजेस्ट करना चाहें कस्टमर को कि अगर आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता अर्टिगा के अलावा, अगर आप कोई कार लेते तो कौन सी लेते? नहीं, मेरा मानना यह है कि जहाँ तक है तब तक तो अर्टिगा लेना चाहिए। जी, सपोज अर्टिगा अवेलेबल नहीं है और एमरजेंसी में किसी को कोई कार चाहिए, अर्टिगा के अलावा कौन सी रिकमेंड करते हैं आपसे? तो फिर तो वो कस्टमर के ऊपर रहेगा ना। जी, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आप ही कस्टमर हैं और आपको अर्टिगा नहीं मिल रही है, ये ऑप्शन ही नहीं है सपोज कर लिए मार्केट। मेरे दिमाग में तो सिर्फ दो ही चीज थी, या तो मैं अर्टिगा लूंगा या फिर स्कॉर्पियो लूंगा। अच्छा, अगर ये कार अवेलेबल नहीं होती तो आप स्कॉर्पियो लेते? सबसे बेस्ट, मेरे पास स्कॉर्पियो पहले से भी है। जी हाँ, ये योन थी पहले से भी। जी, होंडे की। तो सर बताइए, आप अभी तक इससे पहले, ये क्या आपकी ये पहली कार है या इससे पहले कोई कार रही? नहीं, इससे पहले मेरे पास सबसे पहले एक क्यूड थी। जी हाँ, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी। जी जी हाँ, वो 5 सीटर थी। उससे पहले भी कोई कार रही है? पर उसके मतलब बाद मैंने योन ली। जी अच्छा, आपकी सबसे पहली कार कौन सी रही है? सबसे पहले स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हाँ, तो स्कॉर्पियो के बाद आपने एक कम परिवार के हिसाब से फिर आपको लगा कि इसकी जरूरत है 7 सीटर की। हाँ, तो आपने ये लिया? हाँ, फिर मैंने ये लिया। ओके, तो आप इससे फुली सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऑप्शन ये नहीं होता फिर भी आप अर्टिगा ही लेते, वो क्या नाम है, स्कॉर्पियो ही लेते? हाँ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का कौन सा, एन या फिर वही पुरानी? पुराना वाला मॉडल। अच्छा, पुराने ही अच्छे लगते हैं। पुराना ये काफी अच्छा कस्टमर की शिकायत है कि उनको नया वाला स्कॉर्पियो एन का मॉडल पसंद नहीं आता है इतना। हालांकि मेन में वो स्कॉर्पियो वाली बात ही नहीं। जी जी, फील है वो पुराने वाले मॉडल में। जी जी, हालांकि फील उसमें फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो एन काफी अच्छी है। जो उसका लुक है ना पुरानी वाली स्कॉर्पियो का, जी बहुत अच्छा है, सबको भी देखने में अच्छा लगता है। वो गाड़ी की एकदम रेस लगती है। चलिए, वो बात हम किसी और वीडियो में करते हैं, अभी हम इस अर्टिगा के ही बारे में बात कर ले वरना ये टॉपिक कहीं और जा रहा है। तो ऑनरशिप रिव्यू आपने देखा, कार का लुक देख लिया, इंटीरियर देख लिया आप लोगों ने, और आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कार कैसी है। चलने वलने में भी मैंने आपको बताया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी चलती है। और पिकअप वगैरह में सर आप ये बताइए, जैसे 7 सीटर है ये, तो आपने मैक्सिमम इसमें कितने लोग बिठाए और कितना लंबा ट्रैवल किया? मैक्सिमम जो इसकी जैसे फुल आती है 7 सीटर है। हाँ, तो 7 सीटर हम खुद लेके गए हैं। ओके हाँ, और लगभग लगभग 800-900 हजार किलोमीटर के लगभग गए हैं। आपने कोई थकावट नहीं होती है? ओके हाँ, बच्चों को सहित मान के चलिए आप, जैसे दो बच्चे हैं, 5-5 साल के 2 बच्चे हैं। जी हाँ, वो भी गए और 6 लोग वो हो गए या 7 हो गए। जी, 8 लोग आराम से जा सकते हैं बच्चे सहित। ओके, तो उनके लिए भी काफी अच्छी जगह रहती है क्योंकि थर्ड केबिन इसका बच्चों के लिए बहुत ही सुटेबल है और उसमें सब बोतलों का सिस्टम भी है। अच्छा, पानी वानी का? जी जी, थर्ड रो में भी एसी वेंट दिए गए। अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते हो, अगर कांच खोल के भी चलोगे जी, तो पीछे वाले को भी सबको हवा लगती है। ओके, गाड़ी गर्म हीट नहीं होती है। जी, तो लगभग हमने सारे टॉपिक अभी कवर कर लिए इस वीडियो में। जैसा कि हमने बताया कार का प्राइस क्या है, एक्सोरूम क्या है, वेटिंग पीरियड कितना रहा, चलने में कैसी है, और नेगेटिव वही है कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है केवल इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को छोड़ के। हालांकि ये सर आफ्टर मार्केट भी काम करवा सकते, लेकिन हमारा बजट क्या था, 9 लाख से 11 लाख के बीच में। हाँ, तो सर ने इसी वजह से ये मॉडल लिया। बाकी अगर टॉप वेरिएंट में जाते हैं वहाँ को ये, वहाँ पे आपको जो सुजुकी का इंफोटेनमेंट का आता है स्मार्ट प्रो प्लस करके, वो आपको अवेलेबल रह जाता। लेकिन फॉर दिस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है इसका। चलने वलने में हमने बात की और अभी भी मैं इसको ड्राइव किया है मैंने, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस कार का चलने में। हैंडलिंग वगैरह देखे, एसी वगैरह देखे, कंफर्टेबल देखे, सीट में बिल्कुल भी स्टेपनेस नहीं है। दचके वचके में भी हमने चलाई है, वहाँ भी सस्पेंशन फीडबैक काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कार में। अगर कोई एमपीवी व्हीकल आप ले रहे और आपका बजट है इतना, तो यू कैन चेक आउट दिस कार। बाकी कैसा लगे ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जल्दी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।